शास्त्र में भी बृहस्पति का बड़ा नाम है, गुरु ग्रह बृहस्पति दशा। बाबा क्या कहते हैं, मुरलियों में तुम्हारे सर पे कौन सी दशा बैठ रही है और कौन सी उतर रही है? राहु का दशा। तो बृहस्पति दशा अच्छी होती है जो हमें सीधा कहा ले जाएगी जी, जो बृहस्पति दशा हमें कहाँ लेकर जाएगी और कितने जन्मों तक बैठ रही है। यहाँ किसी का बृहस्पति खराब होता है तो कहते हैं पीले कपड़े पहनना, केले की पूजा करना, उपवास करना, ये दान करना, तो तुम्हारा बृहस्पति फेवर में आ जाएगा। क्योंकि यदि बृहस्पति खराब हो जाए तो सीधा विवेक पे हमला होता है, सब कुछ खत्म होने लगता है, सुख शांति समृद्धि मान शान सब जाता है। लेकिन जिसकी कुंडली में बृहस्पति दशा बहुत उच्च क्वालिटी की होती है उसमें गज केसरी योग बनते हैं। और गज केसरी का मतलब है जिसके दरवाजे के सामने गज हाथी खड़े हो, जिसके पास केसरी मतलब शेरों जैसी शक्ति हो और ये राजाओं के पास होती है। यानी कि यही दशा राजाई योग बनाती है, गज केसरी योग बनाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे माथे पर कौन सी दशा बैठी है, बृहस्पति दशा, जो तुम्हें सीधा स्वर्ग में किस जन्मों के लिए एंट्री देगी। अब बृहस्पति को अपने जीवन में लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है गुरुवार के दिन परम सद्गुरु को राजी किया जाए। अगर खुद बृहस्पति प्रसन्न हो गया, अगर उसकी कृपा दृश्य मुझ पर पड़ गई तो फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरे को बिगाड़ सके। क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाले की मेहर कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ चुकी है, अब किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरी बिगाड़ सके। परंतु मैं फिर से बार बार एक ही बात को दोहराऊंगी, आवश्यकता किसकी है, भावना, स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं। उसको प्रसन्न करना है तो निस्वार्थ भाव से करना है, किसी के कहने से नहीं, किसी को देख कर नहीं, कोई मन में स्वार्थ पैदा करके नहीं, निस्वार्थ भाव।